कोई एक दो कहानियां जानना चाहूंगा जिसमें कि कॉलेज की बच्चियों ने या बच्चों ने प्रूव किया कि इवन बीइंग फ्रॉम यू नो दैट हम्बल बैकग्राउंड दे हैव अचीव्ड समथिंग ग्रेट। मेरे पास मतलब सैकड़ों में कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको अभी तीन कहानियां सुनाऊंगा। तो मेरे यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले, हाथ रिक्शा वाले चलाने वाले के बच्चे पढ़े। कलाम साहब ने मुझे उठाया तो अजीम प्रेम जी ने उठाया, और हाँ बहुत बड़ा मैं उनका फैन हूँ, क्योंकि वो एक साल भी विप्रो मिस नहीं करती हमारे यहाँ। तो बहुत बड़ा योगदान है उनका विप्रो का सीमेंस को बनाने में। तो भोले बाबा का क्या क्या खेल होता है कि जिसका सबसे ज्यादा अगर मैंने जीवन में कहीं जल चढ़ाया होगा तो उस मंदिर में चढ़ाया होगा, और उस मंदिर के पुजारी का बेटा जो है वो मेरे यहाँ पढ़ाई छोड़ने आया था, वो पता भी नहीं है। इसी के साथ नीरज जी, मैं आपसे मैं कोई एक दो कहानियां जानना चाहूंगा जिसमें कि जैसे कि बहुत लोग स्पेशली इन यू नो पीपल हु आर फ्रॉम यू नो बिलो पॉवर्टी लाइन, उनमें एक एक खुद से उन्होंने एक एक तो धारणा है कि हाँ रियल चैलेंज है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं। उसके बाद उनमें एक ये धारणा भी बनी हुई है कि नहीं फाइनेंशियल चैलेंज है तो हम कोई बड़ा कोर्स कर नहीं सकते हैं, हम कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एनरोल हमारा हो नहीं सकता एनरोलमेंट। तो इस तरह के इस वर्ग के बच्चे जो हमारे शो को देख रहे होंगे उनको मोटिवेट करने के लिए आप कोई ऐसे कहानियां शेयर करें जिसमें आपने प्रूव किया या फिर आपके कॉलेज की बच्चियों ने या बच्चों ने प्रूव किया कि इवन बीइंग फ्रॉम यू नो दैट हम्बल बैकग्राउंड दे हैव अचीव्ड समथिंग ग्रेट एंड दैट कैन यू नो प्रूव टू बी अ मोटिवेशन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग और यू नो वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू कम इन देयर लाइफ रादर देन स्टैंडिंग अप एंड टेकिंग एक्शन। मेरे पास मतलब सैकड़ों में कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको अभी तीन कहानियां सुनाऊंगा, क्योंकि जी ये तीनों इंटरेस्टिंग है, आप इन तीनों को अलग अलग से भी डाल सकते हो। जी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक स्टूडेंट की जो सीवर से था। सीवर बहुत छोटा जिला है, और वो स्टूडेंट मैंने मेरी कल से बात हो रही थी, ठीक है। धीरू नाम, धीरू धीरू बोलते, लेकिन धीरेंद्र नाम है उसका, और अभी वो गुड़गांव में है, और उसका अभी अपना स्टार्टअप चल रहा है। और एक समय था जब वो 5 रुपए का भाड़ा बचाने के लिए 12 किलोमीटर पैदल चल के आता था, ठीक है, क्योंकि उसको था कि भाई वो पैसे ऑटो वाले को देने के लिए उसके पास पैसे की कमी थी, या फिर वो रुकता था रात को 8 बजे तक, कि जो हमारे लैब इंचार्ज हैं वो लैब इंचार्ज जब उसके घर के बगल में रहते हैं तो उन्हीं के साथ स्कूटर में वो चला जाएगा, और तब तक वो लैब में बैठ के लैब करता था। और चूंकि लैब इंचार्ज के साथ वो रहता था तो उसको हार्डवेयर नेटवर्किंग में खास नॉलेज, उसको इंटरेस्ट हो गया था। तो हाँ, और फिर उसको जो प्लेसमेंट हुआ तो वो HCL में उसको जॉब मिली, ही वाज अर्निंग गुड अमाउंट। लेकिन उसने वो जॉब छोड़ करके, और उसको जब 40,000 रुपए का सैलरी मिल रहा था दिल्ली में, उसने घर परिवार से डांट खाते हुए जॉब छोड़ करके अपना स्टार्टअप शुरू किया। 1 साल तक स्ट्रगल किया, और वो 5 रुपए का ऑटो का भाड़ा बचाने वाला 5 करोड़ का इनकम टैक्स जमा किया, ठीक है। ब्यूटीफुल हाँ, ब्यूटीफुल। तो वो शिवहर का लड़का धीरेन्द्र, मैं आप बोलेगा मैं उसका फोटो भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। आप जी जी अपने, जरूर जरूर। आज उसके लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत क्लाइंट्स हैं, और वो गुड़गांव में जो है करीब करीब 3-4 हजार कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत अच्छे से उसने एक अच्छी टीम बना ली है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो वो एक, आपने कहा ना कि जो एक लोअर इनकम स्ट्रेटा से आकर जी के, और जी आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। तो इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर एक बात और जो आपने कहा है कि जो जो निम्न आय परिवार के हैं, तो मेरे यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले, हाथ रिक्शा वाले चलाने वाले के बच्चे पढ़े हैं, और मैं गर्व से कहता हूं, और जिस बच्चे को तकलीफ है कि उसके संग बेंच पर नहीं बैठ सकता है वो सीमेंट एडमिशन ना ले, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा इसको इंक्लूसिव बनाकर रखेंगे। यहाँ पर जो घरों में काम करते हैं, करती हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पढ़े भी हैं और पढ़ भी रहे हैं, और जो बिल्कुल, और जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, ईटा जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ हैं। मैं इंटरव्यू खुद लेता हूँ हर बच्चे का, मुझे पता है कि बच्चे इस तरह के आए हैं। और यहाँ पर मैं नीतीश कुमार जी को फिर से थैंक्स कहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम लाई, बिहार पहला राज्य है जहां पर इस तरह की योजना लाई गई, और बिना कास्ट के, बिना किसी धर्म के, और बिना कोई कुछ कोई क्राइटेरिया लगाए हुए, उन्होंने सबको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन का सिस्टम दिया। और मैं कहता हूं कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि आप अपने गवर्नमेंट के कॉलेजेस में लाखों रुपया लगा रहे हैं, और उसके बाद भी आप क्वालिटी मतलब आउटपुट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। और अभी क्या आपने बच्चों को ऑप्शन दे दिया कि भाई मैं सरकारी कॉलेज में लाखों रुपया लगाऊंगा एक बच्चे के पीछे, तो उसके बजाय मैं बच्चों को लोन दे दे रहा हूं, और वो बच्चा जहां चाहे वहां से पढ़े, और फिर उस पैसे की पढ़ाई के बल पर वो आगे अपने जीवन में अच्छा करे। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जॉब नहीं मिलेगा तो तुमको लोन वापस करने का टेंशन नहीं है, जब जॉब मिलेगा तब लोन वापस करना। तो उसके ऊपर में कोई कोई तलवार नहीं लटक रही है।
पढ़ो, जॉब मिल गया लोन वापस करो, जॉब की इनकम से, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की एक उसको एम्पावरमेंट मिली स्टूडेंट को। तो हमारे यहाँ पर ये सारे तरह के बच्चे जो हैं, सोसाइटी के लोअर जो स्कैटरा के बच्चे जो हैं, वो भी आ पाए। मैं यहाँ पे नाम लूंगा अभिनंदन यादव का, ठीक है। ये आप लोग से कोई अगर दरभंगा से है तो दरभंगा में तेतरी गांव है, ततरी दरभंगा से है, वहां पर दरभंगा सहरसा के बॉर्डर पर ततरी एक गाँव है। तेतरी का बताया उसने कि एक जमाने में वहां पर जब वो कॉलेज में हमारे आया था, उस समय 5-6-7 मकान होंगे जो पक्के थे, बाकी सब कच्चे मकान थे। और उसके गांव का पहला वो स्टूडेंट था जो कि बीसीए किया, फर्स्ट स्टूडेंट टू बीसीए। और आज वो जो है वो अभी एंडॉक्स में है, मे बी यू अवेयर अबाउट एंडॉक्स। तो एंडॉक्स में वो है, उसको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, गांव का घर उसने पक्का बना लिया है, एंड नाउ ही हैज गॉट हिज ओन हाउस इन नोएडा। और ये सब कहानी तब इंटरेस्टिंग और हो जाती है जब आपको पता चलेगा कि 12th के पहले उसके फादर एक्सपायर कर गए थे, और जो उसके पास 3-4 गाय और भैंस थी उसका दूध बेच करके, वो भी गांव में दूध बिकता नहीं था, वो गांव से दूर शहर जाता था अपना दूध रोज दूर करके बेचने के लिए। और उसके एक जीजा और उसके बड़े भाई थे नोएडा में, उसने उसका एडमिशन करवा दिया सिमेज में, और यहाँ से वो कंप्यूटर साइंस पढ़ के फिर उसको इंफोसिस में जॉब लगी, फिर अभी एंडॉक्स में है और अच्छा मतलब अर्न कर रहा है। आप उसकी तस्वीर देखोगे तो एकदम एक टिपिकल बिहार का गांव का सीधा साधा सा एक मतलब दूध बेचने वाला जो लड़का कह रहे ना, जो तो अभिनंदन यादव, वो उसको मैं एक अपने आइकॉन के रूप में देखता हूँ कि वो एक इमेज है जिससे पूरा का पूरा बिहार रिलेट कर सकता है। कि अगर अभिनंदन यादव इस मुकाम पर पहुंच सकता है, और उनकी माता जी की तस्वीर आप देखिएगा, बिल्कुल गांव की महिला जो कि मतलब थोड़ा कठिनाई मुझे होती है उनकी भाषा को पूरा समझने में, और वो बेचारी बहुत धीमे बोलती है, एकदम बिल्कुल वहां की गांव की भाषा है, तो वो नोएडा में रह रही है। तो ये अमेजिंग स्टोरी रियली है, लाइक उसका वीडियो है, मैं आपको उसका वीडियो लिंक दे दूंगा, उसके घर का भी प्रवेश हुआ था। तो अब एक लास्ट, मैंने 3 कहानियां बोली थी, एक कहानी आपको सुनाता हूँ, कहानी बहुत है मेरे पास। एक बच्चा मेरे पास आया एक दिन मेरे रूम में कि सर मुझे पढ़ाई छोड़नी है, नाम कटवाना है। तो उस बच्चे को मैं बहुत नोटिस पहले नहीं किया था, लेकिन मैंने पूछा क्यों कटवाना है नाम, तो बताया सर कुछ प्रॉब्लम आ गया है घर में, नाम कटवाना है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। फिर ज्यादा मैंने उसको थोड़ा सा कोर्स किया, थोड़ा सा उससे ज्यादा कुरेदने की कोशिश करी कि आखिर पढ़ाई क्या तकलीफ है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, टीचर खराब है, क्या इश्यू है। तो मतलब वो सब इश्यू कुछ नहीं है, सब समझ में आती है, टीचर सब अच्छे हैं। मेरी बहन की मतलब मेरी बहन नहीं रही, बेसिकली उसकी बहन पारिवारिक विवाद में था, व्हाटएवर, जो भी एग्जैक्टली सारा कुछ याद नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो कहा कि मुझे बदला लेना है, और मुझे बदला लेना है, और मेरी बहन नहीं रही, और मैं पढ़ नहीं सकता, और घर की स्थिति बहुत खराब है, और केस मुकदमा हो गया है, और मुझे सब संभालना, मुझे देखना है। तो बोला कि बेटा तुम तो ऐसे कुछ कर नहीं पाओगे, तुम जो घर की स्थिति बता रहे हो वहां स्थिति अच्छी नहीं है, और तुम अगर कमजोर बन जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, तो तुम जीवन भर के लिए कमजोर हो जाओगे। तुम पढ़ो, और तुम ज्यादा देर नहीं, तुम इतने देर के लिए भी 3 घंटे के लिए अगर तुम खाली क्लास कर लोगे, तो असर इतना फीस बाकी है, मास्क अभी तक सिर्फ इतना ही फीस दिए हैं, तुमको कोई फीस नहीं देना है, तुम पढ़ो, ठीक है, तुम्हारा फीस हो गया तो तुम पढ़ो। तो बोला ठीक है, बोले एक ही साथ में करेंगे, तुम कम से कम 3 घंटा क्लास करोगे। तो वो लड़का क्लास किया, पढ़ाई किया, फिर उसको जॉब वूब मिल गया होगा, हमको कभी ध्यान नहीं रहा। तो विप्रो एक कंपनी थी जिसने 2012 में पहला प्लेसमेंट हमारे किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली आज तक एक भी साल मिस नहीं हुआ विप्रो का, कंटिन्यूअसली। मेरे मतलब कलाम साहब ने मुझे उठाया तो अजीम प्रेम जी ने उठाया, और हाँ बहुत बड़ा मैं उनका फैन हूँ, क्योंकि वो एक साल भी विप्रो मिस नहीं करती हमारे यहाँ, बहुत बड़ा योगदान है उनका विप्रो का सीमेंस को बनाने में। तो उसको विप्रो में जॉब लग गया था, कोलकाता में उसको हो गया था। वो आया मेरे से मिलने के लिए एक बार, और जब मिलने के लिए आया तब उसने मुझे बताया कि सर मैं ऐसे से पटना सिटी में रहता हूँ। तो मुझे सिटी में कहाँ रहते हो, तो बोला सर आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम तो नहीं जानते, तुम तो हमको आए थे कि तुमको पढ़ाई छोड़ना है, और तुम बता रहे तुमको प्लेसमेंट विप्रो में मिला हुआ है। बोले नहीं सर वहां पर एक मंदिर है, तिलेश्वरनाथ मंदिर। तिलेश्वरनाथ मंदिर, हम तो मेरे घर के सामने था, तो मैंने बताया ना 2 कमरे के मकान में रहता था किराए के मकान में। तो वो मकान पटना सिटी चौक में नई सड़क में तिलेश्वरनाथ मंदिर के ठीक सामने था, जो पटना सिटी वाले लोग सब समझ जाएंगे। तो तिलेश्वरनाथ मंदिर वहाँ बहुत पॉपुलर है, लेकिन बहुत छोटा सा मंदिर है, और उसकी किंवदंती ये है कि वो तिल का मतलब भगवान जो है उसमें हर साल एक तिल भर जाते हैं। तो मतलब वो उस मंदिर के पुजारी का बेटा। तो हम बोले तुम्हारे दादाजी तो हमको बहुत डांटते थे जब हम मंदिर में घूमते थे, तो हमको बहुत मानते थे, मतलब डांटते थे मतलब मानते नहीं थे, बच्चा था मैं। तो तुम उस मंदिर के हो? बोला हाँ सर। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई देखो भोले बाबा का क्या क्या खेल होता है, कि जिसका सबसे ज्यादा अगर मैंने जीवन में कहीं जल चढ़ाया होगा तो उस मंदिर में चढ़ाया होगा,
और उस मंदिर के पुजारी का बेटा जो है वो मेरे यहाँ पढ़ाई छोड़ने आया था, हमको पता भी नहीं है, हमको सब बात पता चली जब उसको जॉब मिल गया, वो मेरे से बाद में मिलने आया है एक साल बाद, तब तो हम बोले तो बाबा की कृपा है सर। अच्छा कोइंसिडेंस जी, सच कोइंसिडेंस तो ये सब कहानियां बहुत है सिमेश में, मैं जब तो याद करता जी हूँ तो जी लाइक आई या आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ ऑल हाँ, दैट मेरा बचपन मेरा मोमेंट बहुत है, बड़ा। हाँ और इससे इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती है गुरु के लिए। साथ ही